गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में यूनिट सेकंड का कुछ पार्ट पढ़ेंगे। जैसे हमें इसमें सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, कि इसका मतलब ये हुआ कि एक ड्रग जो होता है कोई भी हमारे बॉडी में जाके वो मेनली इफेक्ट किस तरह का शो करता है। तो या तो वो स्टिमुलेट करता है अपने टारगेट ऑर्गन को, या टारगेट जहाँ पे मॉलिक्यूल पर जा बाइंड करता है सेल को, या फिर डिप्रेस करेगा, या फिर उसमें कुछ इरिटेशन करता है जिसकी वजह से उसके फंक्शन लॉस ऑफ फंक्शन होता है, मतलब कि डिमिनिश्ड हो जाता है, या फिर उसमें क्या होता है कि रिप्लेसमेंट होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा, जैसे आप पार्किंसन के एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि इसमें क्या होता है कि डोपामिन का कमी हो जाता है, तो डोपामिन जो होता है वो डायरेक्टली ब्रेन में नहीं जा पाता, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाता, तो उसका एक कंजीनर, उससे पहले एक लीवो डोपा होता है, उसका यूज़ हम करते हैं, मतलब उसका रिप्लेसमेंट, डोपामिन का रिप्लेसमेंट लिवर जो कि ब्रेन में जाके फिर डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही डायबिटीज मेलिटस में इंसुलिन का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये डिफरेंट मतलब कि ड्रग हमारे बॉडी में जाके किस तरह का इफेक्ट शो करता है। तो सबसे पहले स्टिमुलेशन, स्टिमुलेट करेगा, क्या करेगा, इनहांस कर देगा लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ दिस सेल। जैसे एड्रेनाल जो होता है वो हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, डिप्रेशन कर सकता है, जैसे बारबिट्यूरेट क्या करता है, डिप्रेस कम कर देता है उसकी एक्टिविटी को। इरिटेशन यानी ये जनरली एपिथेलियम जो आउटर लेयर रहता है उस पर रव करने से ये एक्शन देखने को मिलता है। रिप्लेसमेंट हो गया कोई मेटल अपोलाइट या कोई हार्मोन, या फिर कोई कंजीनर, मतलब उससे पहले जो फॉर्म होता है कोई मेटाबोलाइट उसका यूज़ करके हम लोग उसका यूज़ करते हैं। जैसे इसमें डोपामिन के केस में लिवोडोपा का। साइटोटॉक्सिक एक्शन क्या होता है? साइटोटॉक्सिक एक्शन में ये होता है कि हम लोग इसमें ड्रग का यूज़ करते हैं जो कोई भी कैंसरस सेल या पैरासाइट जो होता है उसको किल करने के लिए, विदाउट अफेक्टिंग दी हॉस्ट सेल, जैसे पेनिसिलिन, क्लोन जो भी एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं। तो दिस आर द प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, कि एक ड्रग जो रहता है वो अपना मैकेनिज्म कैसे शो करता है, वो कैसे स्टिमुलेट किया, कैसे डिप्रेस किया, अभी ये मैकेनिज्म कैसे शो करता है। तो देखिए बहुत ही कम ड्रग जो होते हैं जो कि अपने एक्ट बाय देयर फिजिकल और द केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे डायरेक्टली जाके एक्ट करते हो। जैसे पैरामिनोबेंजोइक एसिड होता है, ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज का ये एब्जॉर्प्शन करता है। वैसे ही हो गया एक्टिवेटेड चारकोल, जैसे कोई पॉइजनिंग होता है तो हम इसको देते हैं, क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्टिव पावर बहुत ज़्यादा होता है और ये क्या करता है, एड्जॉर्ब करता है, ठीक है। वैसे ही एंटासिड्स हम लेते हैं जनरली, जब बर्न होता है स्टोमक में तो उस वक्त हम एंटासिड लेते हैं न्यूट्रलाइज, ये जाके डायरेक्टली एक्ट कर रहे हैं, ये जाके कहीं बाइंड नहीं कर रहे हैं, किसी को स्टिमुलेट नहीं कर रहे हैं, मतलब कि कोई सेकेंडरी मैसेंजर नहीं आ रहा, बल्कि ये जाके डायरेक्टली अपने एक्शन को शो करते हैं। तो ये बहुत ही कम ड्रग होते हैं जो कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से अपने एक्ट करते हैं। ज़्यादातर जो ड्रग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो जाके इंटरेक्ट करते हैं हमारे बॉडी में एक डिस्क्रीट टारगेट मॉलिक्यूल से, जो कि जनरली क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। इस प्रोटीन को जिस पे जाके ड्रग बाइंड करता है, इसको मेनली चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द एंजाइम, फिर आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर एंड रिसेप्टर। मतलब कि एक ड्रग जाके या तो एंजाइम से बाइंड करेगा, या फिर आयन चैनल से जाके बाइंड करेगा, या फिर ट्रांसपोर्टर से बाइंड करेगा, या फिर रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ठीक है। तो जाके और फिर अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगा। तो हम सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट, जैसे आयन चैनल्स पे जाके बाइंड करेगा तो आयन्स का ओपनिंग हो जाएगा, ट्रांसपोर्टर मतलब कि जैसे ग्लूट जो होता है ग्लूकोज, उसका ट्रांसपोर्ट सेल में किया जाता है। रिसेप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, रिसेप्टर में भी जो जाके जो प्रोटीन का रिसेप्टर उसको एक्टिवेट करता हो और एंजाइम की जो एक्टिविटी को बढ़ा दे या फिर कम कर दे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें एंजाइम्स के बारे में देखते हैं कि इसमें कैसे एक्ट करता है ये, ठीक है।